वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सुझाव दीजिए। पे जैसे हो जाता है ना इनका कि जी यहूदियों की बनाई हुई कोई चीज ना लें, तो मैकडोनल्ड को बैन कर दे, तो पेप्सी ना पिए, तो कोका कोला ना पिए, तो इस तरह की चीजें चल रही। तो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा ट्विटर पे, उन्होंने कहा तो दामाद भी यहूदियों के हैं इमरान खान साहब, अगर देखा जाए तो फिर क्या इनको भी उठा के बाहर फेंक दें। तो ये जो एक माइंडसेट बनाया है इन्होंने कि मतलब किसी कोई पूछ रहा है ना, किसी को आपकी जरूरत है, और अपने लोग जो नजर नहीं आते इनको, सर बलूचिस्तान में जो कुछ होता है किसी से छुपा हुआ नहीं है, सिंध में जो हो रहा है सबको मालूम है, मिसिंग पर्सन का इशू है, जर्नलिस्ट के साथ क्या हो रहा है, तो वो चीज छोड़कर अपना घर छोड़ के दूसरे के यहाँ जाके इन्होंने मदद करनी है। तो ये आपको इनकी फॉरेन पॉलिसी का क्या लग रहा है कि ठीक जा रही है या ये मतलब फेल्ड स्टेट की तरफ लेके जा रहे हैं अपनी इन हरकतों से? देखिए वो फॉरेन पॉलिसी तो हमेशा से ही पाकिस्तान की काफ़ी हद तक फेल्ड रही है, अब तो बहुत ही फेल हो चुकी है, क्योंकि पुराना इनका नरेटिव है, पुराने इनके वही अलाप हैं जिनको ये गा रहे हैं, वो सारे के सारे राग इनके चल रहे हैं, वो तो अब राग सुनने को दुनिया तैयार नहीं है। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपसे अर्ज किया कि पाकिस्तान में ये सब कुछ जो फलस्तीन 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 की बात होती है, ये इनके अपने पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती है, ना इस का फलस्तीनियों के साथ कोई लेना देना, इवन फलस्तीनियों को भी इनकी बात की इनकी हमायत की कोई मतलब परवाह नहीं है, और इनकी हमायत उनके किसी काम भी आने वाली नहीं है फ्रैंकली, कि किसी तरह भी उनके काम आने, उनको वो तो फलस्तीनी तो हमायत देखते हैं कोई अमेरिका करे, वो अमेरिका की कोई भी सरकार होगी चाहे वो रिपब्लिकन की हो डेमोक्रेट्स की हो, वो तो करेंगे नहीं, इसलिए कि एक तो उनको सूट नहीं करता, और दूसरा वैसे भी ये फलस्तीनियों के अपने इतने अंदर ग्रो हैं, इतने डिविजन्स हैं, इनकी अपनी अंदर मार धाड़ इतनी है, फतह वाले हमास के साथ नहीं बैठ सकते, वो जो पीएलओ है उनके पैलेस्टाइन लिबरेशन जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होती थी उसमें से फतह भी निकला हुआ है, उनके अपने इतने सेट्स हैं, वो तो आपस में ही एक इतना खून खराबा करते रहते हैं, बदकिस्मती से ये सब वेस्टर्न इंटरेस्ट के खेल हैं, ये सब कारोबार हैं। आज फलस्तीन का मसला हल हो जाए तो ये हमास और ये सारे के सारे इस तरह के जो ग्रोह हैं, इवन फतह भी, और ये सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे, फिर इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जैसे मसला कश्मीर हल हो जाता है ना तो पाकिस्तान आर्मी की फिर कितनी की ज़रूरत रहेगी पाकिस्तान को? तो इसी तरह अगर ये सारे के सारे मसले वहाँ पर भी हल हो जाते हैं फलस्तीन में, तो वो यानी इसराइल से ज़्यादा खुद ये ग्रुप नहीं चाहते फलस्तीनी ग्रुप के वहाँ अमन हो, अमन हो गया तो इनकी तो छुट्टी हो गई, ये तो किसी काम के नहीं रहेंगे, इनकी तो कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो जो प्रॉब्लम फलस्तीनियों को वहां पर है वही प्रॉब्लम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सरकारों को पाकिस्तान के अंदर है, कि अगर ये सब कुछ फलस्तीन के मसले हल हो गए, फर्ज कीजिए ये नई जंग ना शुरू हुई होती जिसको अब 10 रोज हो चले हैं, तो पाकिस्तान के तो ना खत्म होने वाले मसाइल उन्हीं पर बात हो रही होती, लेकिन अब पाकिस्तान के टेलीविजन न्यूज पे 80% फलस्तीन फलस्तीन की बात हो रही है, यानी बाकी बातें ही गैर जरूरी हो गई। तो फॉरेन पॉलिसी भी फेल है और पूरे का पूरा नैरेटिव भी फेल है, लेकिन ये नैरेटिव ये फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान में चलती है पब्लिक कंजम्पशन के लिए, माइंडसेट ऐसा बना हुआ है तो वो चलाई जा रही है, क्योंकि उनको तो पाकिस्तान से ही लेना देना है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को बाहर की दुनिया से क्या लेना देना है, उनको तो कुछ मिल नहीं सकता बाहर की दुनिया से, बस पाकिस्तानी अवाम किसी तरह से बिजी रहे, बस इनकी फतह है, इनकी जीत है, ये है सारे का सारा। लेकिन सर ये आपको ये जो जंग चल रही है, जो लड़ाई चल रही है इन दोनों के दरमियान फलस्तीन और इसराइल के, आपको कहाँ रुकती हुई नजर आ रही है? अभी और कितने दिन यही कुछ हमें देखने को मिलेगा? देखिए ये ऐसा पहले नहीं हो रहा, कई बार हुआ है, ये नॉर्मली जो होता है कोई 2 से 4 हफ्ते चलती है, इस बार भी मतलब इसकी शिद्दत जो है आइंदा 1 हफ्ते बाद मुझे लग रहा है कम होना शुरू हो जाएगी। और देखिए ये सारा मामला जो शुरू हुआ शेख जरा जो एक इलाका है इस बार का, वहां से शुरू हुआ, वहां से इसराइली हुकूमत ने कहा कि ये जो आबादियां हैं हम इन पे कब्जा करेंगे और ये गैर कानूनी है, वहां से ये सारे प्रोटेस्ट फूटे। लेकिन इस बार जो ये पूरे का पूरा जो इशू है ये काफी कॉम्प्लेक्स है, चूंकि कोई करीब 1.5 मिलियन के करीब फलस्तीनी अरब जो हैं इजराइल के सिटीजन्स हैं,
और वो इलाके जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर उनकी मेजोरिटी है, वहाँ पे जो रेशियल अब टेंशन है वो काफ़ी बढ़ गई हुई है। यानी ये मसला अब सिर्फ और सिर्फ जंग की हद तक नहीं रहेगा, ये टेंशन आगे जाएगी। हमें कनाडा अमेरिका में बैठ के वो टेंशन नज़र आ रही है। यहाँ पे जो फलस्तीनी ग्रोह हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो अब काफ़ी ज़्यादा यहूदियों पर, उनकी रैलीस पर हमले कर रहे हैं। तो वो टेंशन देखिए, फलस्तीन में या इसराइल में, गजा में, वेस्ट बैंक में, वो फलस्तीनी इसराइल का कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ सकते, ज्यादा टेररिज्म कर सकते हैं या, लेकिन यहाँ पे टेंशन बहुत अब मुझे लग रही है। ये सिर्फ अब ये जो मसला है ये फलस्तीन और इसराइल की हद तक नहीं रहा। तो लेकिन ये बात भी है कि इस बार फलस्तीनियों को वो सपोर्ट यूरोप से और अमेरिका से नहीं मिल रही जो पहले मिला करती थी। इन टर्म्स इनको एक पैलेस्टाइन सपोर्ट फंड मिलता था, वो भी पैसा नहीं मिल रहा उस तरह का। दूसरा, ईरान बहुत वीक हुआ है, सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो ईरान इनको सप्लाई नहीं दे सकता उस तरह की जिस तरह पहले दिया करता था। टर्की इनका हामी है, टर्की बोलने की हद तक हामी है, को थोड़ी बहुत मदद भी कर देता है, लेकिन टर्की पर भी इस वक्त अमेरिकन काफ़ी प्रेशर है। और ये मुझे जंग ज़्यादा अरसे तक खिंचती नज़र नहीं आ रही जंग की सूरत में, मगर इसकी टेंशन जो है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अब वर्ल्ड वाइड फैल गए हैं और वो चलेंगे, काफ़ी चलेंगे। लेकिन अब वेस्टर्न वर्ल्ड भी डिटरमिंड हो गई है। वेस्टर्न वर्ल्ड मुझे इस जंग के कॉन्टेक्स्ट में लग रहा है कि ज़्यादा प्रो इसराइल है पहले की नस्बत भी, इसीलिए इसराइल के स्टेप्स बहुत ही अग्रेसिव चल रहे हैं। और जिस तरह वो बिल्डिंग्स उड़ा रहे हैं, अभी उन्होंने संडे को ही जिस तरह अल जजीरा की जहाँ पे ऑफिस था और एसोसिएट प्रेस का ऑफिस था, बहुत सारी मीडिया आउटलेट्स से उन्होंने उड़ाया। पहली जो जंग 2014 की हुई थी, उन्होंने अल जजीरा की, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, अल अरेबिया टीवी के इसी तरह के स्टेशन को उड़ा दिया था। और भी तो अब वो ज़्यादा इसराइल इस बार एग्रेसिव लग रहा है और ज़्यादा डिटरमेंट है। फलस्तीनियों के पास कोई पावर वावर नहीं है और फलस्तीनी बेचारे खुद भी डिवाइडेड हैं, कुछ जंग, कुछ हमास के साथ हैं, कुछ फतह के साथ हैं, और बहुत सारे जंग नहीं भी चाहते, बहुत सारे सिर्फ पीस चाहते हैं, मगर जंग हमास और अलफतह वगैरह के हक में है, चूँकि ये जंग होगी तो उनका जो। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा था इसराइल को लेकर, उसी में अब पाकिस्तानी मीडिया की एंकर हैं आरजू काजमी, ये वीडियो उन्हीं के चैनल से लिया गया है, उनकी परमिशन के साथ लिया गया है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उनके चैनल की, उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो देखिए। गाइज़ आपको बता दें पाकिस्तानी मीडिया में इस समय चर्चा हो रही है, केवल टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है इसराइल फिलिस्तीन, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है। आपको बता दें पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके पासपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि इसराइल को वो कंट्री नहीं मानते, मतलब दिस पासपोर्ट इज़ नॉट वैलिड फॉर अ इसराइल, इस तरीके के शब्द पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखे हुए हैं। अब देख सकते हो आपकी आरजू काजमी ने एक पॉइंट रखा कि आपका तो दामाद मतलब यहूदी तो बहू लाया है इमरान, और यहूदियों को आप इंसान ही नहीं मानते। तो इस बात को लेकर अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है, ताहिर गोरा साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर ताहिर गोरा का मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपने देखा होगा ताहिर गोरा साहब ने बताया कि हम सब हिंदुओं की औलाद हैं, खुद को हिंदू नहीं मानते तो हर दूसरे देश से हम अपने आप को जोड़ते हैं, तुर्की, तुर्की हो, अरब हो, अफगान हो, सबको हम अपना बाप बनाने का हमें शौक चढ़ा हुआ है। तो इस वीडियो में अब क्या बात होगी, इस वीडियो में बात हुई इसराइल को लेकर, इसराइल को लेकर अब OIC की मुस्लिम जो सम्मिट हुई उसमें एक बात तो सबके सामने आ गई कि मुस्लिम देश इसराइल के सामने खड़े नहीं होते, उनने सरेंडर कर दिया है। और अभी जो मुस्लिम देश का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है, जो अनऑफिशियल खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है तैयब एर्दोगन, उसकी भी गान में दम नहीं है, उसकी मतलब पिछवाड़े में दम नहीं है। आप देख लो, अगर होती ही तो अब तक फौज फेंक देता। पाकिस्तान जो एक उछल रहा है, ईरान उछल रहा है, तुम तीनों मिलकर जाओ ना, फौज बनाओ, लड़ो उनसे, दम है तो पिछवाड़े में जाओ लड़ो, देखते हैं कितना देर टिक पाओगे। और इस मैं तो अंदर से चाहता हूँ कि ये लोग जाएं भिड़ें, अच्छी बेइज्जती फजीहत हो, जिससे इनकी फिर औकात जीवन भर के लिए ये समझ में आ जाए, फिर दोबारा ये खड़े होने लायक ना रहें।
क्योंकि आपको भी पता है गाइस, इसराइल एक ऐसा देश है जो खुद की दम पे खुद अपने बच्चों को पढ़ाकर, खुद अपने बच्चों को इतना एजुकेशन देकर इस तरीके की तकनीक डेवलप कर चुका है कि उसके अंदर आप रॉकेट दागोगे तो वो ऑटोमेटिकली हवा में ही बस्ट हो जाएगा। 85% एक्यूरेसी है आयरन डोम की, फिर भी आपका एक आध रॉकेट चला जाएगा तो इस एक दो रॉकेट का बदला वो 1000 लोगों से लेगा। अगर पाकिस्तान के पिछवाड़े में दम हुई तो जाए, टर्की के पिछवाड़े में दम हुई तो जाए, ये है असली बात, नो बकवास। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें।